आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है विषय संस्कृत। पेपर संस्कृत का पेपर है। वार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत कक्षा 8 पूर्णांक 100 समय 2.5 घंटा। देख रहे हैं ना, बिना कोड वाला पेपर है और यह बाजारू पेपर है और यह GIC का पेपर है। यह पेपर सेट नंबर 3 होगा, मतलब तीसरा पेपर संस्कृत का डाला जा रहा है। आप खोज करेंगे हमारे चैनल में, शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे सभी पेपर आपको। अब प्ले लिस्ट ज़रूर देखना। और बच्चों का बड़ा डिमांड है कि बिना कोड वाला पेपर भेजिए सर, यही मैच कर रहा है आपके यहाँ, तो इसीलिए यही पेपर जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपके विद्यालय में भी पहुंचा होगा। तो आपसे आशा है कि वीडियो को एक दो बार जरूर देखेंगे, बाद में लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। तो सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसी एक का अनुवाद लिखो, आगे अर्थ लिखना है। पहला है भारत महाभारतस्य युद्धम 18 दिनान प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। आदव कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। प्रारंभ में कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति थे। 10 दिनान सह युद्धम अक्रोत, उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। तदा उसके बाद एकादशे दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य सेनापति बने या हुए। सह पंच दिनान सेनापति आसीत, वह 5 दिन तक सेनापति रहे। पंचदशे दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान, 15वें दिन पंचदशे 15वें दिन दिवसे बने दिन में सह वीर गति प्राप्तवान, उनको वीरगत मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तद अंतरम उसके बाद कर्णा दिन द्वय पर्यंतम, उसके बाद 2 दिन तक कर्ण सेनापति हुए। 10 अंक का है, देख रहे ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे टाप करने के लिए, सभी का हल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए। अपने किताब में आप देखेंगे शब्दार्थ में तो सभी शब्द मिल जाएंगे। संगणका माने कंप्यूटर होता है, गणना करने वाला अर्थात कंप्यूटर। निजा माने अपना। वृष्टि माने बरसात या वर्षा होता है, देख लेंगे अपने कन्फर्म कर लेंगे। कृपाण माने तलवार होता है। वपु और पुरातन माने प्राचीन। 5 शब्दों का लिखना है, मैंने 5 से ज़्यादा बता दे रहा हूँ। पुरातन माने परीन और पुरातन माने प्राचीन। निजा माने अपना, देख रहे हैं ना, इस तरह से 5 का लिख देंगे। एक सही होने पर 2 अंक आपको मिल जाएंगे, आपके किताब का है, मिला लेंगे अपना। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत हो, 5 प्रश्न का। पहला है वाराणसी कस्या पवित्र तटे विराजमान अस्ति, अर्थात वाराणसी किस पवित्र घाट, किसके पवित्र घाट में विराजमान है। तो वाराणसी कस्या जगह लिखेंगे, गंगाया। वाराणसी गंगाया पवित्र तटे विराजमान अस्ति, ये प्रश्नवाचक शब्द है कस्या, इसी के नीचे इसी को हटा करके यहाँ गंगाया लिख दें, बाकी सब ऐसे लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, पूर्ण विराम रखेंगे। अर्थात वाराणसी गंगाया पवित्र तटे विराजमान अस्ति, पूर्ण विराम। दूसरा है महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत प्रचलत, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। कति कत माने कितने, तो कत की जगह में वह लिखेंगे महाभारतस्य युद्धम 18 माने 18, दिनान माने दिनों तक। तो महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि या दिनान लिखा गया है, कत की जगह पे 18 आप लिख देंगे केवल बस। महाभारतस्य युद्धम 18, यही कद की जगह में 18 लिखेंगे। दिनान यावत प्रचलित, जैसे लिखा गया लिख देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके। द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान, द्रोणाचार्य ने विजय के लिए क्या रचना की। तो यहाँ किम है, किम की जगह लिख देंगे चक्रव्यूहम, चक्रव्यूह की रचना की थी। द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूहम रचितवान। अगला है भगवान बुद्धा शिष्येभ्य परम प्रथम आज्ञा उपदेशम कुत्र अददात, भगवान बुद्ध ने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। कुत्र है ना, कुत्र के जगह हम लिख देंगे सारनाथे, मतलब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथे। कुत्र की जगह लिख देंगे सारनाथे।
वाराणस्याम कस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे कस्य के जगह में लिख देंगे वाराणस्याम विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, अब पूर्ण विराम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। सद्बुद्धि सहस्र बुद्धि कुत्र, कुत्र के जगह पर लिखेंगे सद्बुद्धि सहस्र बुद्धि च जलाशय न्यूसत यस्म, जलाशय में रहते थे, ठीक है। इस तरह से एक सही होने पे दो नंबर, सभी मैंने बता दिया। वीडियो को पूरा देखना है टॉप करने के लिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। निम्न श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखो, अनेके प्रदेशा अनेके चवेशा, बहुत से प्रदेश हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक वेशभूषाएँ हैं और अनेक वेशभूषा हैं, अनेकान रूपाणि भाषा अनेका, अनेक प्रकार के रूप रंग के लोग हैं, काले गोरे सांवले, देख रहे हैं ना, अनेकानि रूपाणि अनेक रूप वाले हैं, भाषा अनेका और उनकी भाषा भी अनेक है, परम यत्र सर्वे वयम भारतीय, फिर भी हम सभी यहाँ भारतीय हैं, प्रियम भारतम तद सदा रक्षणीयम, इस प्रिय भारत का हम सबको सदैव रक्षा करनी चाहिए। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, आगे पढ़ना हम पेपर का पलट रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ जिस प्रकार का पेपर आता है या क्वेश्चन सभी पेपर में होता है, अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो तुम्हें याद हो, अपने किताब से एक श्लोक लिख देना, 10 अंक का है, छोड़ना नहीं है। अगला है 10 से 20 तक की गिनती संस्कृत में लिखो, 10 से 20 तक की गिनती, 10 से प्रारंभ करना है तो दसमा क्या लिखते हैं, दशा, दशा, दस की अंग्रेजी क्या होता है, दसमा, ठीक है। अगला इसे लिखेंगे 11 की लिखेंगे एकादश, एकादश बराबर को क्या कहते हैं 11, और द्वादश माने 12, त्रयोदशा माने 13, ऐसे जैसे हम लिखे देख रहे हैं, चतुर्दशा माने 14, पंचदशा माने 15, षष्ठदशा माने 16, सप्तदशा माने 17, अष्टादश माने 18, एकोन विंसा 19 को कहते हैं, एकोन एक कम एक ना हो, विंसा माने 20 में एक ना हो तो 20 से एक कम 19 को कहते हैं, एकोन विंसा 19, अब विंसा कहते हैं 20 को, ऐसे लिखेंगे पूरा संस्कृत में, तब आपको गिनती आपकी किताब में भी होगा, जो पाठ का नाम होता है दसवां पाठ को जो लिखा गया हो देखना, दसवां पाठा पाठा नहीं लिखेंगे, दसवां एकादशा पाठा द्वादशा पाठा ना, उसी तरह से पूरा गिनती लिख देंगे आ जाएगा आपको। अगला है रिक्त स्थान भरो, कैरम 10 अंक का है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, एक सही होने पर 2 अंक, कोई नहीं छोड़ना है। स्कंद पुराणस्य, पुराणस्य मतलब स्कंद पुराण में किसका वर्णन किया गया है, विश्वनाथस्य, विश्वनाथ का, अस्या वाराणस्याम विस्तारेण वर्णन वर्तते, पहले में विश्वनाथस्य भरा जाएगा, अत्रैव यहाँ दूसरा क्या भरा जाएगा, अत्रैव काशी खंडे प्रसिद्धम सुवर्ण चूर्णम मंदिरम अस्ति, तीसरा है वाराणस्याम गंगाया तीरे अनेके मनोहरा घट्टा सन्धि, बहुत ही सुंदर घाट हैं, चौथा है ग्रहण समय, ग्रहण के समय अपि अत्र महान जन समुदाय एकत्र भवति, ये चौथा महा जन समुदाय, पांचवा है वाराणसी भारतस्य प्रसिद्धम पुरातनम, क्या भरेंगे पछुए में, विद्या केंद्रम अपि अस्ति, विद्या केंद्र भी है, तो पहले में भरा जाएगा विश्वनाथस्य, देख रहे हैं, दूसरा में भरा जाएगा काशी खंडे, तीसरे में मनोहरा, चौथे में भरा जाएगा जन समुदाय, पछवा भरा जाएगा विद्या केंद्रम अपि, छठवा है पश्य धात के लट लाकार के प्रथम व मध्यम पुरुष के रूप लिखिए, 5 अंक का, छोड़ेंगे नहीं, आपके किताब में दिया गया है देख लेंगे, पीछे तरफ मैंने लिख दिया है, प्रथम पुरुष का दिखाई दे रहा होगा, प्रथम पुरुष का होगा प्रथम, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, अब एक रूप और इसका चलता है इसका द्रक्षस, लेकिन वो द्रक्ष का है, एक पश्यति पश्यता पश्यन्ति प्रथम पुरुष का है, अब मध्यम पुरुष का चलेगा पश्यसि पश्यथा पश्यथ, देख रहे हैं ना, दोनों लिख दिया गया है आप लिख लेंगे। अगला है दीर्घ पुल्लिंग शब्द के प्रथम द्वितीय विभक्त में रूप लिखिए, इसको मैंने नहीं किया है, आपके किताब के पीछे पीछे होगा, देख करके लिख देंगे, याद कर लेंगे। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, देख रहे हैं ना,
वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। 10 अंक का है, एक सही होने पर दो नंबर। तो वीरह वीर ऐसे लेके दो बिंदी लगा देंगे आगे, वीरह अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्रः आसीत, मतलब वीर अभिमन्यु वीरह अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र, ये पुत्र का पुत्र था का आसीत, पुत्रः आसीत ऐसे लिख देंगे। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, भारत देवलोक के समान है, क्या लिखेंगे आपके किताब में है तो इसको लिखेंगे भारतम देवलोकेन तुल्यम, भारतम देवलोकेन तुल्यम। अगला है इसका अनुवाद, तीसरा है इससे बहुत से प्रदेश हैं, इसमें बहुत से प्रदेश हैं, तो इसको लिखेंगे अस्मिन अनेके प्रदेशाः सन्ति, देख रहे हैं ना। अगला है गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं, तो गंगा सर्वेषु नदीषु श्रेष्ठा अस्ति, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं। अगला है किसान अन्न उपजाता है, इसको मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देंगे कृषा अन्नम उत्पद्धते, उत्पद्धते उपजाता है, कृषका अन्नम उत्पद्धते। अगला क्वेश्चन है निम्न किसी एक का निबंध संस्कृत में लिखना है, 10 नंबर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं। गणतंत्र दिवस, अस्माकम विद्यालय, विजयदशमी, तीन में से किसी एक पर लिखना है, इसका आंसर लेते हैं। देख रहे हैं तीन निबंध आया है, इससे तीन निबंध है, गणतंत्र दिवस, अस्माकम विद्यालय, विजयदशमी, तो हम अस्माकम विद्यालय का पढ़ रहे हैं, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अपने विद्यालय के बारे में आपको लिखना है। अस्माकम विद्यालय मनोहर अस्ति, हमारा विद्यालय मनोहर है, मतलब सुंदर है। अत्र बहवः छात्राः पठनाय आगच्छन्ति, यहाँ बहुत से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ते सर्वे शिक्षकान् प्रणमन्ति, वह सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं। शिक्षका छात्रेभ्यः विद्यां यच्छन्ति, शिक्षक छात्रों से विद्या, शिक्षका छात्रेभ्यः विद्यां यच्छन्ति, शिक्षक छात्रों को विद्या प्रदान करते हैं। अत्रैव पुस्तकालयः अपि अस्ति, यहाँ पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय बहून पुस्तकानि सन्ति, विद्यालय में बहुत से पुस्तकें हैं। बालकाः तत्र अध्ययनाय तिष्ठन्ति, बालक वहाँ अध्ययन के लिए पढ़ते हैं, बैठते हैं। अत्र छात्रा परिश्रमेण पठन्ति, यहाँ छात्र परिश्रम से पढ़ते हैं। विनयेन च वदन्ति, और विनय पूर्वक बोलते हैं। अस्माकं विद्यालये क्रीडा स्थलम अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में क्रीडा स्थल भी है। यत्र बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ बालक खेलते हैं। अतएव अस्मान् स्वविद्यालयः अति प्रिय अस्ति, इसलिए हमारा विद्यालय अत्यधिक प्रिय है। और गणतंत्र दिवस का भी दिखाई दे रहा है आपका, पूरा 10 वाक्य है, 9 वाक्य लिखा गया है, आप इसी तरह लिख देंगे, दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।